नमस्कार प्रिय साथियों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा प्रोग्राम कुंभ राशि एवं कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए समर्पित है। कुंभ राशि से संबंधित वह सभी बातें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कुंभ लगन वाले जातकों को जन्मपत्री खोलते के साथ ही अपनी जन्म कुंडली में शुक्र, शनि और मंगल इन तीन ग्रहों की स्थितियों का अध्ययन करना चाहिए। यदि आपका शनि कमजोर है, मृत अवस्था में है, बाल्यावस्था में है या वृद्ध अवस्था में है, तो आपकी पूरी कुंडली कमजोर पड़ जाएगी। शुक्र के कमजोर होने पर कैरियर बिल्कुल, एक तरह से आप कितना भी प्रयास करो लेकिन वो टेंशन में ही चलेगा सारा काम। मंगल कमजोर होने से आप अपने काम को बहुत व्यापक रूप नहीं दे पाओगे। इन तीनों में से कोई भी कमजोर है तो आपको उसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। तमाम तरह की परिचर्चा जो कुंभ लग्न के लिए बेहद ज़रूरी है आज मैं करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, बोर्ड पर पूरे विषय को समझ। साथियों, ये कुंभ राशि से नौवें स्थान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पड़ती है ये तुला राशि। इसके स्वामी हैं शुक्र। तो आपके भाग्य के स्वामी शुक्र हैं। तो जन्म कुंडली में शुक्र 6 डिग्री से कम है या 24 डिग्री के ऊपर है, दोनों परिस्थितियों में आपका भाग्य कमज़ोर पड़ जाता है। तो शुक्र के आठवें छठे और 12वें स्थान में जाने पर भी आपका भाग्य कमज़ोर पड़ जाता है। तो शुक्र की स्थिति का अध्ययन बेहद आवश्यक है। शनि की स्थिति का अध्ययन बेहद आवश्यक है। शुक्र की स्थिति बेहद ज़रूरी है, उसका अध्ययन करना आपको, और शुक्र के कमज़ोर होने पर इसका रत्न मंत्र आदि से उपाय करना चाहिए। आपके भाग्य रत्न है ओपल, मूंगा और नीलम। आप देवी का कोई भी मंत्र जाप करके किसी भी प्रकार का जो संघर्ष है आपके जीवन में उससे बाहर आ सकते हैं। आपके लिए शुभ दशाएं और कारक ग्रह हैं शनि, मंगल, गुरु, शुक्र, और किसी भी ग्रह की महादशा में इन तीनों ग्रहों की अंतरदशा या इन तीनों ग्रहों की महादशा आपके लिए ऑल टू ऑल बेहतरी रहेगी। लेकिन मारक ग्रह हैं सूर्य और गुरु, सूर्य सातवें और गुरु दूसरे घर के स्वामी। तो किसी भी ग्रह की महादशा में सूर्य और गुरु की अंतरदशा या सूर्य और गुरु की महादशाएं आपके लिए बढ़िया नहीं जाने वाली हैं। इसमें चौकन्ना रहना चाहिए, सावधानी और उपाय करने चाहिए, और अपने व्यवहारिक जीवन में जब समय खराब है व्यक्ति का तो एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहिए, जो बेहद ज़रूरी है। अब आपको मैं पुनः दोहरा दूं, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर होने पर कैरियर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। शुक्र कमज़ोर है कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों का, तो उसका आप जो है मंत्र के द्वारा, रत्न के द्वारा उपाय करें। शनि कमज़ोर होने पर भी आपको सब लोग दबाएंगे, परिवार के लोग, रिश्तेदार, दोस्त, सब आपको टेंशन देंगे, आपसे अपना काम निकालेंगे, आपके प्रति किसी की संवेदना नहीं होगी। शनि कमज़ोर है तो उसका उपाय करें, और मंगल यदि आपका कमज़ोर है तो उसका भी उपाय करें। तीन ग्रहों पर आपको ध्यान देना है। तो कुंभ लग्न के विषय में जो भी बहुत ज़रूरी बातें थी, सभी 12 लग्नों की सीरीज में, ये 11वीं मेरी वीडियो है आज, मैंने आपको बताई, और मीन लग्न बाकी है। कल शाम तक आपको मीन लग्न की वीडियो मिल जाएगी, तब अन्य विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैं कामना करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।